कोर्स के लिए आए थे। ठीक है, आपने एंड्रोलॉजी में क्या क्या सीखा? आपको लगा कि पंजाब से आपका आना सफल हुआ कि नहीं सफल हुआ? यस, सफल हुआ मेरा आना, क्योंकि इससे पहले मैं बेसिकली क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के मेरा पास्ट है और मेरा माइक्रोबायोलॉजी से ही मैं रिलेटेड हूँ, बट मुझे सीमन एनालिसिस, सीमन प्रिपरेशन और एंड्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था। बट अभी आपके पास जो मैंने ट्रेनिंग की है उससे मैंने तीन चार अपने जो मेन IUI के लिए प्रोसीजर होते हैं वो मेरे बिल्कुल क्लियर हैं, जिसमें सीमन एनालिसिस, सीमन प्रिपरेशन फॉर IUI, द टू टेक्निक्स, स्विम अप टेक्निक एंड डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक, बोथ आर वेरी क्लियर। एंड थर्ड वन, द बेसिक नॉलेज ऑफ IVF एंड ICSI इज ऑल्सो क्लियर, एज वेल एज द थ्रेटिकल नॉलेज दैट आई गेन फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी ओके। आप सीमन फ्रीजिंग वगैरह भी कर लोगे? यस, सीमन फ्रीजिंग इज, क्रायो फ्रीजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो भी, उसकी भी मैंने प्रैक्टिस की यहाँ पे, एज वेल एज मैंने थ्रेटिकल नॉलेज भी ली जो काफी बेनिफिशियल था मेरे लिए। आपको जो स्पर्म फंक्शन टेस्ट सिखाए गए वो आप कर पाओगे? यस मैम, स्पर्म फंक्शन टेस्ट में जो बेसिकली DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स है वो भी मैंने किया, उसकी भी प्रैक्टिस की, तो उसमें बेसिकली जो कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी देखी वो भी मुझे अभी कैलकुलेट करनी आ गई है। जो वाइटालिटी टेस्ट थे जिसमें ईओजिन निग्रोसिन स्क्रीनिंग थी वो भी मैंने प्रैक्टिस की है, अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की है। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रेन थी उसकी भी मैंने प्रैक्टिस की है, एज वेल एज जो इंडियन वर्जन का मैक्यूलर काउंटिंग चैम्बर था उस पर भी मैंने प्रैक्टिस की है। तुम सेटिस्फाइड? यस मैम, फुली सेटिस्फाइड। अब आप जाके इसको 4-6 महीने प्रैक्टिस करिए एंड देन कम फॉर एम्ब्रियोलॉजी ऑप्शन। ठीक है, दैट इज द टाइम दैट यू शुड कम बैक फॉर एम्ब्रियोलॉजी कोर्स। बोथ एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा एंड डॉक्टर वैद आर वेरी हैप्पी विद यू एंड वी लव टू ट्रेन यू इन फ्यूचर सो मच। थैंक यू।